दुर्ग के राजेंद्र पार्क में आगामी 15 जनवरी को फ्लावर शो का आयोजन किया जाना है। नगर निगम दुर्ग की ओर से यह आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। हम बता दें कि बीते 3 वर्षों से पार्क में भव्य फ्लावर शो किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम किए जाते हैं। दर्जनों प्रजाति के पौधे व फूलों की प्रदर्शनी यहाँ लगाई जाती है, साथ ही स्टॉल आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये आयोजन पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया जाता है। आगामी 15 जनवरी को होने वाले फ्लावर शो को लेकर महापौर व आयोजकों ने न्यूज टीम को जानकारी दी। फ्लावर शो का आयोजन नगर निगम प्रतिवर्षी वहाँ थी 15 जनवरी को आयोजित कर रहा है। इसमें 60 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें लोकल व्यक्तियों को स्वसहायता समूह अपने उत्पाद को विक्रय कर सकेंगे, प्रदर्शित कर सकेंगे, जिससे उनका रोजगार बढ़ सके। एक तो वो है, दूसरा राजेंद्र पार्क का संधारण भी हो जाएगा और शहर के लिए एक स्वच्छ गार्डन तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब से प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, पर्यावरण की सुरक्षा को लेके बहुत सी योजनाएं आ रही है। दुर्ग नगर निगम में पिछले 4 साल से हम लोग बहुत ही भव्य फ्लावर शो का आयोजन कर रहे हैं, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हम लोग पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं। इस फ्लावर शो में की तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई। 5 जनवरी से इसमें पंजीयन चालू हो जाएगा और 15 जनवरी को फ्लावर शो है। इसमें प्रमुखता से ये दिखाया जाएगा कि जो हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उसके मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महिला स्वसहायता समूह की बहनों के द्वारा, इसमें 60 स्टॉल लगेंगे वो भी हमारी महिला स्वसहायता समूह की बहनों के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ी पकवान रहेंगे, मतलब जो पूरी थीम रहेगी वो एक छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रदर्शित करेगी इस फ्लावर शो में। और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है हमारी उद्यान प्रभारी सत्यवती वर्मा जी के नेतृत्व में, और हमारे सभी सीनियर लीडर्स इसमें मौजूद रहेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी, प्रभारी मंत्री अकबर जी, अमरजीत भगत जी, गृह मंत्री तामदास साहू जी, हम सबको आमंत्रित करेंगे। माननीय विधायक अरुण वोरा जी, आर.एन. वर्मा जी, लगभग एक बहुत ही अच्छा फ्लावर शो 15 जनवरी को होने वाला है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस फ्लावर शो में उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ की योजनाओं का के बारे में जानकारी भी लें और इस फ्लावर शो को ग्रैंड सक्सेस करें। विगत 3 वर्षों से लगातार दुर्ग नगर निगम के द्वारा फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी उसी प्रकार से फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी भाग लेते हैं। अलग अलग कैटेगरी में अनेक अलग अलग प्रकार के फ्लावर, वेजिटेबल्स, बहुत तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। सारे शहर की महिला स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें माताएँ अपने अलग अलग छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टॉल भी लगाती हैं और लगातार सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक लगातार छत्तीसगढ़ी और बहुत सारे युवाओं के लिए भी लगातार ड्राइंग की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। तो बहुत ही भव्य और अच्छा आयोजन होता रहा है विगत 3 वर्षों से, इस बार भी उसी तरीके से होगा। जब से हमारी सरकार बनी है श्री भूपेश बघेल जी का, तब से हम पहली बार कांग्रेस सरकार आने के बाद फ्लावर शो दुर्ग शहर में ये 4th बार है कर रहे हैं। इसमें तैयारी बहुत अच्छा और भव्य करने के प्रयास करेंगे। हमारे विधायक श्री अरुण वोरा जी, हमारे श्री महापौर धीरज बाखलीवाल जी एवं कमिश्नर साहब लोकेश चंद्राकर जी, इन तीनों के दिशा निर्देश से हमारे कर्मचारी अधिकारी नोडल अधिकारी बना दिया गया है कल के मीटिंग में, और सब जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। साफ़ सफाई, बिजली पानी सबका व्यवस्था, टूटा हुआ झूला उला रंग रोगन सभी का कर रहे हैं। हम लोग 60 स्टॉल लगाएंगे, वो पूरा निशुल्क रहेगा। उसमें स्वसहायता समूह की बहनों का स्टॉल लगेगा। हमारे शहर के सभी नागरिक जिनको भाग लेना है, वो बोनसाई फ्लावर, कट फ्लावर, पॉट फ्लावर, ऑर्गेनिक पेड़ पौधा में जैसे कि नींबू आम का फला हुआ प्रदर्शनी में लगाते हैं, और हमारे निर्णायक आते हैं, वो लोग जजमेंट करते हैं, उनके जजमेंट के हिसाब से हम सबको प्राइस वितरण करते हैं, 1st, 2nd, 3rd का
प्राइज रखते हैं और हमारे स्कूलों के बच्चों को इनवाइट करते हैं। वो लोग पर्यावरण को के उनका सब्जेक्ट पर्यावरण रहता है, उसके माध्यम से वो लोग पेंटिंग ड्राइंग करके उसको दिखाते हैं। उसको भी हम लोग संतावना पुरस्कार देते हैं, जो फर्स्ट सेकंड रहते हैं उनको फर्स्ट सेकंड देते हैं। और हमारी बहनें खाने पीने का स्टॉल लगाते हैं, उसमें ज़्यादा करके छत्तीसगढ़ी व्यंजन का हम फोकस करते हैं। और हमारा मॉडल बनता है वो हमारे मुख्यमंत्री जी के माननीय भूपेश बघेल जी के महती योजनाएं हैं, उनको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो उस योजनाओं का लाभ सब ले सकें और जन जन तक जाए उनकी योजनाओं का सभी लाभ ले सकें।